कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे पुलिस स्वास्थ्यकर्मी और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि सभी के पास किट उपलब्ध नहीं है। इसके चलते संक्रमण का डर बना रहता है और कई कोरोना योद्धा संक्रमित भी हो चुके हैं। ऐसे में जोधपुर जिला परिषद के कर्मचारी कोरोना योद्धाओं के लिए 35 लाख से भी अधिक की राशि जुटाकर किट भेंट कर रहे हैं, जिसमें N95 मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड और PPE किट शामिल है। जिला परिषद के कर्मचारियों ने 7,500 किट बनाने का लक्ष्य रखा है और कोरोना योद्धाओं का मुफ्त में वितरित भी किए जा रहे हैं। वहीं जरूरतमंद महिलाओं को भी रोजगार भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। COVID-19 देश में फैल चुका है, साथ ही जगह जगह पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं। जोधपुर में जिला परिषद के कर्मचारियों ने जो COVID-19 से सीधा लड़ रहे हैं, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, उनके लिए PPE किट तैयार किए हैं। वो भी अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसा इकट्ठा करके सब कर्मचारियों ने इकट्ठे किया। बात करेंगे जो जिला परिषद के कर्मचारी नेता हैं उनसे और कर्मचारी हैं उनसे कि भाई किस तरह से ये जो किट तैयार किया है और किस उद्देश्य से है। सर बताइए किस तरह का ये किट है और कैसे तैयार करवाया और किस क्या उद्देश्य है आपके? जी, जैसे कि अपन को मालूम है कि COVID-19 जो कोरोना वायरस से महामारी फैली हुई है उसका इफेक्ट जोधपुर में भी आया है। और चूंकि मार्केट में ये सुनने में आया है कि भाई ये PPE किट की शॉर्टेज है, सडन डिमांड होने के कारण इसकी शॉर्टेज हो गई, तो सरकार ने बहुत कुछ कर रही है जोधपुर के लिए। तो सभी स्टाफ ने, टेक्निकल स्टाफ ने, विकास अधिकारी ने ये निर्णय लिया कि जो अपन से हो सकता है वो भी अपन भी इसमें सहयोग करेंगे और डॉक्टर के लिए। तो जैसे मार्केट में सर्वे किया तो PPE किट की शॉर्टेज आई, तो फिर सबने निर्णय लिया। हमारे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है डॉक्टर इंद्रजीत यादव और ADM CT सीमा जी कविया जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अपन क्यों नहीं रॉ मटेरियल परचेज करें संस्थाओं से। तो सभी विकास अधिकारी और टेक्निकल स्टाफ ने पैसे इकट्ठे किए जो अनुमानित करीबन 30 से 35 लाख रुपये में प्राप्त हुए। इसके बाद हमने जो मटेरियल परचेज कर लिया, मटेरियल परचेज के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से PPE किट की डिज़ाइन करवाई गई। उस डिज़ाइन के अनुरूप 2-3 सैम्पलिंग की गई। सैम्पलिंग करके मेडिकल कॉलेज को जो डॉक्टर PK खत्री हैं उनको उसकी जांच करवाई गई। साइज, शेप, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा होना चाहिए क्लोथ, उन्होंने अप्रूव किया उसको। अप्रूव करने के बाद हमने स्वयं सहायता समूह जो औरतें घर में बैठी हैं उनको रोजगार देने के उद्देश्य से उनको ये सिलाई के अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों को बांट दी। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेडिकल स्टाफ जो COVID-19 के संक्रमण से पीड़ित ना हो जाए, उसे जो इलाज करते हैं पॉजिटिव के, उनको PPE किट की जरूरत होती है, जब भी उनके पास जाते हैं तो संक्रमण से ग्रसित ना हो जाए, उसके लिए सर ये किस तरह से तैयार करवाए, कहाँ से ये सिलाई करवाई है, कौन सी संस्था ने इसको सिला है, किस किनको ये COVID-19 में बंद रहने के लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है? ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह महिलाओं के, ये हमारे ग्रामीण विकास पंचायती राज में कई सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो अपने अपने रोजगार के लिए कार्य करते रहते हैं आजीविका के लिए। तो उनमें कुछ लोग सिलाई का काम भी करते हैं, तो उनमें से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के हमारे यहाँ पास में जो कुछ ग्रुप के थे हमारे पास में, उनको कॉल करके हमने बुलाया और बुला के उनको डिज़ाइन समझाई। उन्होंने वो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बोले हम ये सिल देंगे। वो सिलाई करके उन धागा वगैरह सारा कुछ हमने हमारी तरफ से उपलब्ध करवाया, ये चेन वगैरह जो भी इसका ड्रॉ मटेरियल सारा हमने हमारी तरफ से उपलब्ध कराया। और उपलब्ध होने के बाद में वो सिल के जब आया उसको अप्रूव करवाया हमने मेडिकल कॉलेज के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे, वो अप्रूव होने के बाद में हमने उसके किट को तैयार करके और उनको जो मेहनताना जो देना था रोजगार देना था हमने वो दिया और वो सारा स्टरलाइज होके और वो किट तैयार होके आता है। और स्टरलाइज जो कंपनी करती है वो आइकन है वो करती है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि टेक्निकल कर्मचारी जिला परिषद वालों ने बताया कि ये जो COVID-19 रात प्रदेश में फैला है उसके बाद कर्मचारियों ने लगातार अपनी तरफ से जो भावना थी कि PPE किट मेडिकल स्टाफ को नहीं उपलब्ध हो रहा है और वो संक्रमित के संपर्क में आने से ना हो जाए, इसके लिए बचाने के लिए PPE किट तैयार किया और उन्हें अभी इस चीज़ का लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। ये निश्चित तौर पर कर्मचारियों का सराहनीय कदम है और COVID-19 में एक बड़ा योगदान है। दयाल सिंह, A1 TV, जोधपुर।